तो गाइस आप भी अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन जरूर लगाते होंगे। क्या आपको मालूम है आपके सब्सक्राइब जो बटन लगाते हैं, अगर आप अदर जगह से उसे डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा और रीयूज कंटेंट देखने को मिल जाएगा एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है क्या, चलते वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको सब्सक्राइब बटन डाउनलोड करना है और कहाँ से ऐसे यूट्यूब क्लिप्स वीडियो आप अपलोड करें जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते वीडियो को करते हैं, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइज आपको सब्सक्राइब बटन डाउनलोड कहाँ से करना है जिससे आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट ना आए और आपका चैनल सेफ मोनेटाइज हो जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च कर लेना है कि आप पिक्सल, यहाँ पिक्सल जैसे सर्च करेंगे तो एक ये ऐसी वेबसाइट है जो आपको यहाँ यूट्यूब क्लिप्स भी फ्री में देगी और आपको फोटोज़ भी फ्री में देगी, वीडियोज़ भी देगी, जो आपके चैनल सेफ रहेगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पिक्सल वाली वेबसाइट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सर्च कर लेना है, क्या आपको यहाँ देख सकते हैं फोटोज है तो यहाँ पर वीडियोज कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे वीडियोज करेंगे और यहाँ आपको सर्च कर लेना है क्या, अब देख सकते हैं सर्च फॉर फ्री वीडियोज, तो यहाँ आपको सर्च कर लेना है सब्सक्राइब बटन। तो मैं यहाँ सर्च कर ले रहा हूँ सब्सक्राइब बटन, तो ऐसे आपको भी सर्च कर लेना। अब जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा ना, ग्रीन कलर का सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है इसकी वजह से टाइम लगेगा। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा क्या वीडियोज आ गया सब्सक्राइब बटन वाला। तो यहाँ से आप जाके यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं जैसे आप कोई भी यहाँ पर जो भी आपको पसंद आए उसको यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ आपको दिखाई देगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक ना तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड फाइल है, जो फाइल है डाउनलोड हो गया। अब आपको अपने काइन मास्टर में चले जाना है। अब यहाँ आपको अपने काइन मास्टर में चले, जिस भी एप्लीकेशन से आप अपना वीडियो एडिट करते हो, यहाँ मैं फिलहाल अभी काइन मास्टर से आपको मैं बता दे रहा हूँ काइन मास्टर में कैसे इसे लगा सकते हैं। तो आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है, यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है, जिस भी वीडियो पे लगाना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा लेयर वाला ऑप्शन, तो आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मीडिया वाला ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेकंड नंबर यहाँ डाउनलोड आपका फाइल जो ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लिप आ जाएगा जो आप वहाँ से डाउनलोड किए रहेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये क्लिप आ गया। अब यहाँ से फिर आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। अब यहाँ आपको करना है, यहाँ आपको दिखाई देगा क्रोमा की। अब यहाँ क्रोमा की पे आपको इनेबल कर लेना है और ये जो ग्रीन कलर का है हट जाएगा, देख सकते हैं। जो कुछ भी इसे आपको एडजस्ट भी कर लेना है, यहाँ देख सकते हैं जो थोड़ा बहुत है इसे आप एडजस्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। जो आपको ये बीच में स्पेस दिख रहा है यहाँ अपना वीडियो लगा दीजिए और यहाँ आपको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं कैसे चल रहा है। तो पहले मैं अपना आवाज़ म्यूट कर दूँ। यहाँ देख सकते हैं लाइक किया और यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन पे दबाया और यहाँ पे लाइकन वाले बटन पे दबा देगा। यहाँ देख सकते हैं ये आपका चैनल एकदम श्योर रहेगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गाइस ऐसे आप वहाँ से अनलिमिटेड क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड